नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं महिपाल सिंह रानावत। दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ वीओएमयू कोटा से ही रिलेटेड है, जिसमें वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में जो पुराने पेपर्स होते हैं उसको कैसे डाउनलोड करें। मैंने कई बार मेरी पोस्ट में कमेंट आते हैं कि सर पुराने पेपर कैसे डाउनलोड करें, अभी जो एग्ज़ाम भी चल रहे हैं कोटा के। तो मैं दोस्तों आज आपको बताऊँगा बिल्कुल सरल तरीके से कि वीओएमयू कोटा के पेपर कैसे डाउनलोड करें। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वीओएमयू कोटा में आज के वीडियो का बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, कोटा पेपर्स के क्या सीक्रेट रहते हैं और किस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, पुराने पेपर्स की पूरी मदद लेनी है, इस अकॉर्डिंग आप अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं वीओएमयू कोटा की वेबसाइट पर और वहाँ से देखते हैं कि कैसे क्या सिस्टम रहता है। तो दोस्तों, ये हम आ चुके हैं पुफिन ब्राउज़र के होम पेज पर। वहाँ पर आपको लिखना है vmou.sc.in, जिसको आपको वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की जो होम वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आपको जाना है। और कोई भी ब्राउज़र ले सकते हो आप, क्रोम लीजिए, फायरफॉक्स लीजिए, जो भी आपको बेटर परफॉर्मेंस है आपके मोबाइल में उसकी, उस ब्राउज़र को आप लीजिए और उसमें वीओएमयू की वेबसाइट ओपन कीजिए। ये दोस्तों वीओएमयू की होम पे वेबसाइट है, जिसमें हम आपको, मैं बता रहा हूँ आपके आज के पुराने पेपर कैसे डाउनलोड करें। तो इस वेबसाइट में आपको जाना है, उसके बाद आपको ये पूरा, ये वेबसाइट का सिस्टम है पूरा। इसके बाद दोस्तों, मैंने आज अपनी मेरे चैनल पे आपको कई प्रकार की वीओएमयू रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। तो आपको इसी प्रकार की वीओएमयू हेल्पलाइन वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों, स्टूडेंट वन व्यू रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो में तैयार करूँगा, तो वो भी बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है। तो जैसे आप जैसे ही वीओएमयू की होम वेबसाइट पर नीचे आओगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, इस पर क्लिक करना है आपको। ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ ईयर वाइज सारे पेपर्स दिख जाएंगे, क्योंकि वीओएमयू में दिसंबर जून 2016, दिसंबर 2016, इसका क्या है कि हर 6 मंथ में एग्ज़ाम होती है वीओएमयू में। तो अभी जो एग्जाम चल रही है वो दोस्तों दिसंबर 2018 की एग्जाम चल रही है, तो उसी अकॉर्डिंग इसके 6 6 मंथ में पेपर होते हैं। तो आप जो जितने पुराने पेपर अपलोडेड है, जैसे जिस भी साल का पेपर डाउनलोड करना चाहते हो, उस साल के ऊपर हमें क्लिक करना होता है। जैसे हम अभी पेपर डाउनलोड करते हैं दिसंबर 2016 का, तो हमने दिसंबर 2016 पे क्लिक किया, उसी से सारे पेपर ये ओपन हो गए। तो दोस्तों, इसमें ऐसे सब्जेक्ट कोड के वाइज पूरे पेपर अपलोडेड रहते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें आपको ये, जैसे आपके सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आप बीए कर रहे हो तो उस अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट होते हैं। जैसे सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, HI 01 02, HI 03 होता है सेकेंड ईयर में। इसके बाद एमए कर रहे हो तो उसका अलग कोड होता है, बीएड कर रहे हो तो अलग कोड होता है, बीसीए कर रहे हो तो अलग कोड होता है। तो इस कोड के बारे में भी मेरे पास एक इमेजेस है, तो उसमें मैं जाके जो दो आपको कोडिंग के बारे में पूरा कम्प्लीटली बताता हूँ एक बार। ये जैसे आप जैसे कोड देखना चाहते हो, जैसे बीएड का ही है, बीएड के अंदर आपको स्टूडेंट वन वी में लॉगिन करना है। फिर ये जो ऊपर प्रवेश विवरण दिख रहा है, ऊपर प्रवेश विवरण पर क्लिक करोगे तो ये आपका पूरे कोड आ जाएंगे। तो ये जो है कोर्स का, कोर्स कूट करके ये जो लिखा हुआ है BEd 101, BEd 102, BEd 103, तो ये जो है ये कोर्स कूट है। वहाँ पे आपके जो भी लिखा हुआ है ये आपके यहाँ से आप कोड देख के और अपना जो कोड क्या है आपके सब्जेक्ट के वो पता कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपने सब्जेक्ट के कोड पता कर लोगे, जैसे मेरा सब्जेक्ट है BEd 101, तो ये डाउनलोड करने हैं। तो फिर आपको यहाँ से वापस उधर वेबसाइट पे चलना पड़ेगा, उसी तरह ब्राउज़र पे चलिए, ब्राउज़र में जाके आप देख लीजिए आपका जो भी कोड है। जैसे आपका ये हो गया BEd के, ये कोड आ रहे, जैसे मेरा BEd 101 था, तो BEd 101 था, तो इसको आपको ये सीधा डाउनलोड लगा दीजिए, पेपर डाउनलोड हो जाएगा। आपको जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है और पेपर सीधा डाउनलोडिंग हो गए, ओपन हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको सारे पेपर जो है ऐसे डाउनलोड करके उस अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। जैसे ये BEd 101 का ये पेपर डाउनलोड हो गया दिसंबर 2016 का, ये पेपर का पूरा डाउनलोडिंग होगी, तो इससे आप आसानी से तैयारी कर सकते हो दोस्तों। और इसमें हमें जो जो वीओएमयू एग्ज़ाम में जो है, मेरे अकॉर्डिंग जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी लंबे टाइम से वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमें ये जो क्वेश्चन है ये पूरे क्वेश्चन को, जो पुराने 4 5 साल के पेपर हैं उनको निकाल के और हमें उनके आंसरों को उनको स्ट्रिक्टली याद कर देना चाहिए दोस्तों। और इसमें वीओएमयू कोटा में क्या फ़ायदा होता है, जैसे 4 क्वेश्चन आ गए, 2 4 में से 2 करने होते हैं, कोई भी चाहे ऊपर के 2 कर लो, नीचे के 2 कर लो, तो इसमें आप कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन फंस ही जाएगा। तो आपको पुराने पेपर हैं उसके सारे क्वेश्चनों को मतलब याद कर लेना, इतना तो हम
कर ही सकते हैं अगर कहीं डिग्री की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें जो डिग्री के जो पेपर हैं उस अकॉर्डिंग इतनी तैयारी तो हमें करनी ही होगी, तभी हमारा डिग्री का कुछ औचित्य। और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे बंदे क्या करते हैं जो बिना तैयारी होते हैं, वो बंदे क्या करते हैं सीधा प्रश्न सोल्व करने लग जाते, उससे एग्जामिनर को होता कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा माइंड में कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस कहता है एक नेगेटिविटी बनती है। तो हमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी जो हैं, मतलब ज़्यादा पूरी किताब के छोटे क्वेश्चन आपको नहीं याद करने, लेकिन जो एग्जाम में आ रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ 5-6 साल के पुराने पेपर उठा लीजिए आप, उसमें जो जो छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, संवेदना क्या है, शहरीकरण क्या है, इन क्वेश्चनों का आप इजीली एक एक लाइन के आंसर होते हैं, इनको आप इजीली याद कर दीजिए, तो आप जब भी पेपर सोल्व करोगे और आगे के आगे जब फ्रंट में 8 में से अगर आप 5 या 6 क्वेश्चन भी आपने छोटे छोटे कर दिए, तो वो एग्जामिनर के माइंड में एक पॉजिटिविटी बैठती है, और उस पॉजिटिविटी का फायदा आपको लास्ट के लास्ट क्वेश्चन तक होता है। और इसके बाद आप आराम से ये छोटे छोटे क्वेश्चनों की तैयारी कर सकते हो, ये छोटे क्वेश्चनों में भी आप आसानी से कर सकते हो। वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी का यही फायदा है कि इसमें आप ऊपर से भी, जैसे इसमें अभी सेकंड पार्ट में आपको 4 प्रश्न करने, तो आप ऊपर से 4 उठा लो या नीचे से 4 उठा लो, इसमें वर्धमान का कोई फायदा है, इसमें ये बेनिफिट रहता है। जैसे दूसरी रेगुलर यूनिवर्सिटी MLSU हो गया, MDSU हो गया, राजस्थान हो गया, इसमें ये रहता है कि 2 क्वेश्चन दे दिए अथवा में, फिर नीचे 2 और अथवा में दे दिए, तो हमें कई बार क्या होता है ऊपर वाले दोनों आ रहे होते हैं, नीचे वाले दोनों आ रहे होते हैं, तो इसके प्रॉब्लम में वर्धमान तो बहुत बेटर है। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की जो मेन ट्रिक थी, इस पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कैसे लेना है, यही है दोस्तों मेरा कहना, यही है। मैं एक बार और रिपीट करूंगा बात को कि हमें छोटे छोटे क्वेश्चन जो पिछले 5-6 साल में आए हुए वो तैयार करने चाहिए, तो हमारे पेपर के लगभग आधे क्वेश्चन तो हमें आ ही जाएंगे, तो जिससे एग्जामिनर के माइंड में पॉजिटिविटी जाती है दोस्तों। तो ये तो हो गई हमारे पेपर की बात। अब दोस्तों जैसे मैं, आप ये पुराने पेपर आराम से डाउनलोड कर पाओगे, इसमें सारे पेपर अपलोडेड हैं, डेट वाइज PDF फाइलें, इन PDF फाइलों को डाउनलोड कीजिए और उनके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए दोस्तों। तो इसी प्रकार वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम क्यूरीज हैं, आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं इनके हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और एजुकेशन रिलेटेड अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मिहिपाल सिंह रणावत, मैं जय हिंद, वंदे मातरम, मित्रों जय हिंद।